नमस्कार दोस्तों, हम रामकलास यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा कि दूध डेयरी में जो मशीन आते हैं, क्या उसमें जो है कोड नंबर द्वारा हम जो है फैट को घटा सकते हैं या स्नेप को बढ़ा सकते हैं? क्या ऐसा कोई सिस्टम होता है जो फैट और स्नेप कोड नंबर डालने पर वो सेट हम कर सकें? तो दोस्तों आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। इससे पहले यही कहूँगा, आप लोग चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों होता क्या है इसमें, जहाँ तक बात आती है कि फैट स्नेप, तो दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा जो दूध डेयरी वाले जो चला रहे हैं, जो चिलिंग सेंटर पर हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे भी बात किया, तो उनका कहना ये था कि मशीन के अंदर लॉगिन आता है, उस लॉगिन में जाने के बाद फिर वहाँ कोड नंबर मांगता है। अगर हम कोड नंबर हमें पता है तो कोड नंबर डालते हैं, कोड नंबर डालने के बाद फिर वो अलग ऑप्शन बैक हो जाता है, सब कट जाएगा, फिर से आएगा, तो वहाँ पर मतलब सिस्टम में लिखा रहता है फैट स्नैप, तो वहाँ पर जा करके हम जो है मशीन को फैट स्नैप जितना चाहे उतना घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो कोड नंबर होगा तभी। और कितने भाई लोग ऐसा भी बोलते थे कि सर जी हमें कोड नंबर बता दीजिए, वो कोड नंबर है क्या? तो कोड नंबर क्या है, सुपरवाइजर के पास होता है और जो उनके अधिकारी होते हैं उनके पास होता है, वो लोग को सब पता रहता है, तो वो लोग बताते नहीं किसी को, बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसान का दूध ले रहे हैं लोग जो भी डेयरी है। अगर हम जो है डेयरी वालों को बता देते हैं कि ये फैट स्नेप इससे घटता है, यही कोड नंबर है, तब तो फैट घटा देंगे, किसानों को नुकसान जाएगा, इसके लिए ऐसा गलत है, ऐसा हमें बिल्कुल करना नहीं चाहिए। जो हमें डेयरी रेट दे रही है वो रेट जो है हमारे किसानों को मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सरासर गलत है। हम नहीं बता सकते, ऐसा भी हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि किसान भाई कितने मेहनत करते हैं, कितनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करके दूध निकालते हैं, दूध डेयरी में देते हैं, तो उनको भी वो जो रेट है उचित रेट मिलना चाहिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।